Swachh Bharat Abhiyan was launched by Prime Minister Narendra Modi with an aim to clean countries, cities and towns. Central and state governments are doing their own effort to make this mission successful. But two brothers of Basara village of UP are writing a new script in Swachh Bharat Abhiyan. Rehan and Rahul have been campaigning for the cleanliness of Basara, a small village of Fatehpur block of Barabanki in UP. प्रधान हो या सिक्योरिटी हो या सफाई कर्मी, किसी ने कोई सहयोग नहीं किया और हम लोगों को अवेयरनेस किया, बताया, उन लोगों ने हमारी बात को माना। आज गांव में जो कुछ दिख रहा है, हमने हमारी जनता, हम लोगों ने हमें पर भरोसा किया और उनके हमारे बताए हुए रास्ते को उन्होंने अमल किया। आज जो कुछ भी है, प्रधान और सिक्योरिटी का आज तक कोई सपोर्ट नहीं किया। दे हैव स्टेज्ड 2 month लॉन्ग धरना फॉर डिक्लेयरिंग बसारा अ मॉडल विलेज। Despite of getting no help from local administration, they both have decided to use their own resources for making their village clean. Rahul Khan, Rehan Khan, ये लड़के जो हैं दोनों बहुत मेहनत किए हैं। पूरे गांव समाज में झाड़ू वाड़ू सब पूरा साफ सुथरा पूरा करवाते हैं, आदमी भी लगाते हैं, खुद अपने हाथों से करते हैं। You will get immense feeling of patriotism when you enter in Basara village. पहले गांव का माहौल काफ़ी गंदा था, बहुत गंदगी थी गांव में, लोग काफ़ी कूड़ा कचरा रखते थे घर के बाहर ही, लेकिन जब से भाई ने एक अभियान शुरू किया है तब से काफ़ी सफाई हो गई है गांव में। ट्रीज आर पेंटेड इन ट्राई कलर, द वॉल्स आर पेंटेड विद इंस्पिरेशनल स्लोगन्स ऑफ क्लीन इंडिया, यू विल हार्डली फाइंड एनी वेस्ट ऑन द स्ट्रीट्स। हमने 2010 से अपने गाँव को अवेयरनेस किया, शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित किया और महिला शिक्षा के बारे में भी बच्चों को गाइड किया। आज हमारे गाँव में काफ़ी बदलाव आ गया है और जैसे मैंने अपने गांव के लोगों को शौचालय बनाने के प्रेरित किया, लोगों ने अपने स्वयं शौचालय बनवाया है। रिहान एंड राहुल आर मोटिवेटिंग विलेजर्स टू अवॉइड ओपन डिफिकेशन। दे हैव रिटन लेटर्स टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर डिक्लेयरिंग देयर विलेज अ मॉडल विलेज। लेट्स सी व्हाट कम्स नेक्स्ट, बट बसारा हैज बिकम अ फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्वच्छ भारत अभियान।